किसका यू। और इधर लड़की पक्ष के भूतों के नाम पहला, एक बार बाल खुला तो महाभारत हो गया जी, लेकिन जब कहीं शादी हो तो बालों में कैंची भी चलती है, वो खुला थ्रेडिंग स्ट्रेट कराते हैं। आईब्रे का भूत, फेशियल का भूत, थ्रेडिंग का भूत, इतने भूत, और सिर के ऊपर कभी पल्लू रखे नहीं, ये सबसे बड़ा भूत। तो शादी ब्याह का दिन है आचार्य जी, आप घबराओ मत, दूसरे गांव शादी लगाना है उसको देख लिया जाएगा, यहाँ तो पूरी करवा के जाओ। भगवान वो संदेशा लेकर ब्राह्मण देवता आए हैं, एक चिट्ठी दी है। आजकल लोग अपनी बात को व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, चिट्ठी लिख देते हैं। मैसेज डाल देते हैं। ब्राह्मण के द्वारा पत्रिका लिख कर भेजी है गुप्त संदेश। ब्राह्मण देवता ने यहाँ से किया है आकर कहा कि वहाँ मेरे दरगाह सा तू संदेश
राजकुमारी आपसे विवाह करती हूँ, चाहती है, आपसे विशेष प्रेम करती है। उन्होंने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, यहाँ तक कि अन्न छोड़ दिया है, भोजन छोड़ दिया है, पाके रहूं मैं तो ये समझिया, तेरे बिना ना रहूं। भगवान जाने ऐसा एक आधा ऐसी संसार मिल जाए तो जिंदगी का ऐसे सुकम जाए। रुक्मिणी जी ने पत्रिका भेजी और भगवान सीधे यहाँ से चल पड़े और कहने लगे कि मेरा संदेशा कह देना कि आज की दुनिया में बुरे लोग ज्यादा अच्छे लोग कम मिलेंगे, खुशियों की इच्छा ज्यादा रखते हैं तो खुशियां कम ज्यादा हमें गम मिलेंगे। ऐ रुक्मिणी, जिस दिन दामन छोड़ देगी तेरी ये दुनिया, याद रख तुझे हर मोड़ पर हम मिलेंगे। कन्हैया जी ने कहा भी ठीक है और कन्हैया जी द्वारिका से विदर्भ में ब्याहने के लिए आए हैं। चोरी तो चोरी होती है, समाज में स्वीकार कर इसको मुश्क खैर तीन छिट्टी में। कन्हैया जी का प्रेम विवाह है और रुक्मिणी के पिता इत्यादि को स्वीकार नहीं है, शिष्यपाल को तो स्वीकार नहीं है, लेकिन स्वयंवर की प्रथा अनादि काल से आई है। विस्तृत इस विषय पे चर्चा, सुदामा चरित्र पे चर्चा सुबेरे करते रहेंगे, कल का दिन और है हमारे पास प्रसंग सुनाने का। लेकिन मैंने कहा है ना, वी वांट टाइम इन मोस्ट लाइफ टोटल मेंस लाइफ, समय का सदुपयोग। आज हमारे कन्हैया जी की अभी 9 बजे फ्लाइट है, आउट ऑफ इंडिया जाना है, तो भाई शादी पहले ही करवा दे जिससे ग्रीन वीजा मिल जाए, नहीं तो टूरिस्ट मिलेगा। ग्रीन वीजा मिलना चाहिए ना, टूरिस्ट वीजा। एक बार बोले बाबा के बिहारी लाल की, यहाँ पर रुक्मिणी ने एक संकल्प कर लिया है कि मैं तो बाके की बाकी हो गई और बाका हो गया। We'll be right back.
सालसी सालसी क्या जो जी न सकूं जाम बिना इतना तो जानू समझो न मैया अरे मेरा मेरे मोहन से सतपाल वहाँ नहीं मान रहा है लेकिन लागी ना ही छूटे राम चाहे दिया जाए और नजर तुमसे मिला बैठे जो होगा देखा जाएगा तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। बिहारी जी ने देखते ही देखते भगवान ने रुक्मणी को उठा लिया हरण कर लिया सतपाल से युद्ध किया पाल को परास्त करके भगवान ने रुक्मणी से विवाह संपन्न किया। पंडित जी से कहूंगा तैयारी करना थोड़ा विवाह कराना। तुलसी जी शालिग्राम आचार्यवर तुलसी और शालिग्राम का विवाह